हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोनलेस चिकन फ्राई रेसिपी। और ये इतना जूसी एंड क्रिस्पी बनेगा ना, तो इसे झट से देख के फटाफट बनाने लग जाऊंगी। तो पूरी रेसिपी देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ चिकन का मैरिनेट तैयार करेंगे। यहाँ डालेंगे एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप छोटा चम्मच लेंगे तो दो चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना पड़ेगा। और यहाँ लेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट और साथ ही इसके डालेंगे हल्दी और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हम एक किलो बोनलेस चिकन फ्राई बना रहे हैं तो इसके हिसाब से ही सब ऐड करेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला और इसमें डालेंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी। तो ये भी कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी डाल दिए हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस। फिर इसके साथ ही डालेंगे हम रेड चिल्ली सॉस। तो ये हमने लगभग एक एक चम्मच के करीब दोनों भी ऐड कर लिए हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे दही भी 3-4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। फिर लेंगे एक अंडा, उसे तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो ये अंडा भी हमने डाल दिए हैं। और फिर क्या करेंगे, इन सबको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो इन सबको मिक्स करने से पहले हम ऐड करेंगे इसमें रेड कलर। तो ये देखिए अब कितना बढ़िया सा कलर दिख रहा है ना। तो इन सबको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे दो मुट्ठी कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर के साथ ही हम डालेंगे मैदा। मैदा भी इसमें 3 मुट्ठी के करीब इसमें मैदा ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों भी डाल के हम इसको कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आएगा और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन का मैरिनेशन कितना अच्छा सा तैयार हो रहा है ना। तो बस आपको भी इसी तरह से बना के तैयार करना है। अब भाई चिकन का मैरिनेशन पेस्ट इतना अच्छा तैयार हो रहा है तो जब हम इसमें चिकन डालेंगे और पूरा तैयार करेंगे तो जब मुँह में पानी आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हमने लिए है 1 किलो चिकन। इसको अच्छे से धो के साफ करके ले लिए हैं। इसमें डाल के इसको भी कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है ना। तो बस इसी तरह से हम इसको पूरा मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो जाएगा तो इसे हम कर लेंगे जल्दी से फ्राई। आप चाहे तो इसे मैरिनेट के लिए रख सकते हैं या फिर स्किप कीजिए। ये हमने आपको ऐसा तरीका बताया है कि बस पेस्ट बनाइए, चिकन लीजिए और जल्दी से फ्राई कीजिए। तो बस अब हम इधर क्या करेंगे, इधर लेंगे बड़ी कढ़ाई और उसमें डाल देंगे तेल और इन सबको कर लेंगे तलने की तैयारी। तो यहाँ हमने कढ़ाई रख दिए हैं और उसमें तेल भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। फिर इसमें एक एक करके चिकन डालते जाइए। और ये देखिए चिकन भी एक एक करके इसमें आहिस्ता से डालते जाइए और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। इसे ज़्यादा तेज़ आँच पे भी नहीं रखना है, पहले थोड़ा सा फ्राई होने दें फिर इसकी तेज़ आँच कर लीजिए। फिर इसे तेज़ आँच पे ही अच्छा फ्राई होने देंगे और इसे झारे से ऊपर नीचे करके अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छा सा पके। और जब आप ऐसा बोनलेस चिकन फ्राई बनाएंगे ना, आए हाय, तो सब आपसे ऐसे ही बनाने की फरमाइश करेंगे। एकदम जूसी एंड क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे हम झारी में लेके निकाल लेंगे और इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है ना, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और जब आप ऐसा बोनलेस चिकन फ्राई बनाएंगे ना, तो इसे पहले हाफ कुक करके पहले निकालना नहीं है। पहले ना गैस की मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने दे और फिर हाई फ्लेम कर ले तो ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा जूसी और क्रिस्पी दिख रहा है ना। तो बस इसी तरह से हम सारे ही बोनलेस चिकन फ्राई बना ले रहे हैं। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और ये फ्राई भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और ना एक ख़ास बात, इसका देखिए मसाला भी नहीं छूटता है, ये बहुत ही अच्छे सा चिकन को ही लगा हुआ रहता है। तो ये थी निक्षी किचन की आज की रेसिपी बोनलेस चिकन फ्राई। आए हाय, आ गया ना सुनते ही मुंह में पानी। तो बस अब कर रहे हैं किसका इंतज़ार, अब देख लिए ना। तो जल्दी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मेरी रेसिपी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।